लोग कैसे हैं, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, अच्छा रहना भी चाहिए। और आप लोग जहाँ पे भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने अपने कामों में व्यस्त रहें। और आज हम आप लोगों से कुछ खास बात करेंगे, क्योंकि देखिए मेरी दीदी का तबीयत कुछ गड़बड़ चल रहा है। और कल अस्पताल हम लोग जाने वाले थे, मतलब देखा है अल्ट्रासाउंड ऑन कराने, और दीदी को कुछ तकलीफें थी, तो हम लोग कल तैयार थे जाने के लिए। क्योंकि तैयार इसलिए थे कि भैया फ़ोन करके बोले थे कि हम एक दो घंटे में आ रहे हैं, और एक दो घंटे करते करते पूरा शाम हो गया और आए नहीं। फिर हम लोग बहुत इंतज़ार किए, दीदी का तबीयत बिगड़ते गया, और फिर हम ट्रेन से बक्सर स्टेशन से ट्रेन पकड़ के डुमराव के लिए हम दीदी को लेके गए, और वहाँ सब अल्ट्रासाउंड कराए। आप लोग तो देख ही रहे हैं, अल्ट्रासाउंड यहाँ पड़ा है। और वहाँ से हमको आने में 10 बज गया, तो दीदी के यहाँ से कोई हम लोगों को छोड़ने आया था, कोई परेशानी तो नहीं हुआ, लेकिन घर आने में 10 बज गया। और भैया के टेंशन में दीदी इतनी परेशान है कि अब आप लोगों से क्या कहें। और पहले दीदी का बच्चा ठीक था दोस्तों, लेकिन अभी दीदी का बच्चा कल अल्ट्रासाउंड हुआ तो बहुत कमज़ोर है। और भैया कल बोले थे आने के लिए लेकिन आए नहीं, और आज तो फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं, आप लोगों से क्या बताएं। और अल्ट्रासाउंड में आप लोगों को दिखाएंगे कि बच्चा कितने किलो का है अभी, क्योंकि पहले ज़्यादा था, अभी उसका वेट कम हो गया है। और आइए चलिए हम कुछ दीदी से बात करते हैं, दीदी खुद ही बताएंगे। बोलो दीदी। हेलो हाय नमस्ते प्रणाम, खुशी गुरछी बोला दिन। और आप लोग कैसे मने जा, उम्मीद करो कि बहुत अच्छा ही रह जाए और अच्छा ही रहेंगे। हमारी ऐसी जिंदगी क्यों की ना आएगी, इतना दिन पार कर लिया लेकिन अब बहुत कष्ट लगा था, जितने समय निक जाता थे। तो हमने के कल हॉस्पिटल को लेने जा, तो हॉस्पिटल को लेने जा तो झूठ की सही अपनी भाई से वहाँ के कॉलर रानी की हम आवत है नहीं। इंतजार करते करते 4 बज गई, तो देखी जा अल्ट्रासाउंड में कहा सब कुछ तो ठीक है बा, लेकिन आप लोग देखिए दोस्तों, हम लोग कल गड़ना पॉइंट है। और देखिए वजन बहुत कम है बच्चा का, 2 किलो 423 ग्राम का है कि कितने का है। और तो, देखिए हम लोग 26 तारीख को कल कराए, आप लोग डेट देख सकते हैं। तो आप लोग दुआ दया करते रहिए कि जितने दिन टाइम है उतने दिन में उन्हें कवर कर ले और ठीक रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, और भगवान जैसे दिए हैं वैसे अथू हो जाए। और हाँ एक बात है, हमारे हमको खाना नहीं पच रहा है, कोई चीज़ भी नहीं पचता है, दवा भी खाते हैं फिर भी नहीं पचता है। और पता ना क्यों पूरा घाव घाव हो गया है इसीलिए कि क्यों। और थोड़ा ज़्यादा वीडियो के शेयर करते रहिए ताकि उनको दिख जाए जो इधर उधर घूम रहे हैं, ढहक भहक रहे हैं, तो देख लीजिए। ऐसे ऐसे आप लोग मत करिए कि जैसे हमारे साथ हो रहा है, हमारे पति जी कर रहे हैं, वैसे आप लोग मत करिएगा किसी के भी साथ, बहुत तकलीफ हो रहा है। तो हेलो दोस्तों, आप लोगों से यही बताना चाहते हैं, देखिए दीदी की तबीयत ख़राब है, और एक मेरी छोटी सी बहन है, देखिए कैसे सेवा में लगी है, कुछ बोलो। हेलो हाय नमस्ते प्रणाम, हम सपना कुमारी। देखिए दीदी का तबीयत खराब है और दीदी का हम तेल लगा रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कब तक बाबू आएगा, हम खिलाएंगे, जल्दी आएगा, इसीलिए बहुत सेवा कर रहे हैं। ये बेचारी इंतजार में सेवा कर रही है कि जल्दी में बेबी आए तो हम खिलाएंगे। और हाँ आप लोग की दुआ दया से हमारी दीदी लोग बहुत मने हमको सपोर्ट कर रही है, दीदी आई है एक और एक सपना आई है, तो इन लोग को भी आप लोग सपोर्ट करिए और आगे बढ़ाइए। और जैसे भगवान हमको भेजे है सेवा करने के लिए, किसी दिन हम भी जाएंगे इन लोग के घर पे सेवा करने, देखिएगा। नहीं दोस्तों ऐसा बात नहीं है, दीदी को आप स्वस्थ रखिए, मस्त रखिए, हम लोगों का सेवा करने का जरूरत नहीं है, बस इनका साथ चाहिए हम लोगों को कि हम हमेशा हमारे साथ रहे, और हम लोगों का सेवा मतलब हम लोगों से बड़ी हैं तो हम लोगों का सेवा नहीं करना है। और दोस्तों आप लोग दुआ करिए और कमेंट करिए दोस्तों कि मेरे भैया जल्दी आ जाएं, क्योंकि अभी कल छोटे वाले भैया से बोल रहे थे कि मतलब हम लोग बोले कि सोनोग्राफी करवाना है,
तो बोल रहे थे ठीक है, बोल दो उन लोगों के, उन लोगों को कि तैयार हो जाने के लिए मैं आके ले जाऊंगा, और ऐसे करते करते एक घंटे में आऊँगा, दो घंटे में आऊँगा, शाम कर दिए और आए नहीं। और आज तो हम लोग फ़ोन लगा रहे हैं तो उनका फ़ोन ही नहीं लग रहा है, और नहीं कुछ पता है दोस्तों कि कहाँ गए हैं। और आप लोग वीडियो को इतना शेयर करिए, इतना ज़्यादा शेयर करिए और इतना ज़्यादा देखिए कि भैया तक पहुँचे और उनको पता चले कि मतलब उनके लिए हम लोग कितना परेशान है ना दीदी। और दोस्तों कुछ भी दीदी खाती हैं तो उल्टी हो जाता है, आपको वीडियो में दिखाया जाएगा और आप लोग देखेंगे तो खुद आप लोग को लगेगा ऐसा कि कितनी परेशान है। और कुछ खाती पीती नहीं है, और कुछ दिन से तो पहले ठीक था, लेकिन जब से भैया टेंशन करने लगे तब से दीदी खाना पीना मतलब खाने पे ध्यान नहीं दी, तो बच्चा कमज़ोर हो गया है। कल के रिपोर्ट में देखे हम लोग तो डॉक्टर बहुत बोल रहा था कि खान पान पर ध्यान रखो, नहीं तो बच्चा मतलब डिलीवरी के समय बहुत नाजुक होगा। तो इसके लिए दीदी और ज़्यादा टेंशन में है, और भैया से यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि भैया जहाँ कहीं पर भी हों तो अगर वीडियो उनके पास पहुँचे तो घर आने का प्रयास करें, है ना दीदी। बाय बाय दोस्तों। देखिए खुशी दीदी उल्टी कर रही हैं, आप लोग देख सकते हैं। दीदी बहुत ज्यादा कर चुकी है और कह रही है तबीयत खराब है, कल हॉस्पिटल गई थी लेकिन डॉक्टर खून कहीं बताया है, कुछ खाती है तो पचता नहीं है, उल्टी कर देती है। अब भगवान जाने कहा हुआ है, क्यों नहीं पच रहा है। देखिए दीदी उल्टी कर रही है बहुत ज़्यादा, दो बार हो चुका है, ये तीसरा का बार हो रहा है। दीपांडी ना दीदी कैसे उल्टी कर रही है बहुत ज़्यादा ही, दीदी का तबीयत खराब है, रात को खाना भी नहीं खाई थी और आज तो मतलब उल्टी कर रही है। देखिए दीदी कैसे उल्टी कर रही है, दीदी का तबीयत खराब है बहुत ज़्यादा ही, आप लोग जान सकते हैं। डॉक्टर बताया था खून की कमी है दीदी में ज़्यादा ही, खाती पीती हैवे नहीं करती है तो खून की कमी ना होगा, और जो खाती वो पचता है नहीं, उल्टी कर देती है। देखिए दीदी उल्टी कर रही है, सेव खाए थोड़ा सा वो उल्टी कर दी। जी अब कैसे ना आता उल्टी कैला के बाद। थोड़ा मन हल्का हो गया, देखिए दीदी उल्टी कर रही है। दीदी कुछ बोल दीजिए, आपको भी कैसा लग रहा है फिर। चलिए मैं तो घर से जा।
बेटा।